बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली 12 वर्षीय सातवीं की छात्रा का आरोप है कि उसे विशेष संप्रदाय के 4 युवकों ने स्कूल के पास से अगवा कर लिया। इसके बाद उसे रात भर बंधक बनाकर गैंग रेप किया। तो वहीं शनिवार को उसे गलियों से होते हुए बारादरी थाना क्षेत्र के शाहदाना मजार के पास फेंक कर भाग गए। इस दौरान राहगीरों की मदद से लड़की अपने घर पहुंची तो परिजनों को वारदात का पता चला। वहीं परिजनों का आरोप है कि घटना की तहरीर देने पर पुलिस ने सिर्फ 2 आरोपियों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया है, दुष्कर्म का मामला दर्ज नहीं किया। आपको बता दें कि बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी छात्रा शुक्रवार सुबह अपने स्कूल गई, लेकिन वह दोपहर को जब घर नहीं लौटी तो परिजन उसके तलाश में स्कूल पहुंचे तो पता चला कि बच्ची स्कूल के अंदर आई नहीं। काफ़ी तलाशने के बाद किशोरी का जब पता नहीं चला तो परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। वहीं शनिवार रात को अचानक किशोरी घर पहुंची और उसने बताया कि उवैस और नदीम के साथ 2 अन्य युवकों ने उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर उसका अपहरण कर लिया। फिर उसे एक कमरे में बंधक बनाया गया जहां चारों ने उसके साथ गैंग रेप किया और शनिवार रात उसे बारादरी थाना क्षेत्र के शाहदाना मजार के पास छोड़कर भाग गए। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।